इस पूरी कॉलोनी में जो घर है वो आपको 1100 स्क्वायर फीट के तो अवेलेबल हैं ही, इसके अलावा जो 1250 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 958 स्क्वायर फीट, इस तरीके के भी जो घर हैं वो भी अवेलेबल हैं। आसपास देखेंगे कि इस तरीके की काफ़ी बड़ी जो पूरी टाउनशिप है वहाँ पे आपको सारे ये घर बनते हुए आपको नज़र आएंगे। अगर आपको कहीं भी लखनऊ में घर चाहिए तो आप जो दिया हुआ नंबर है उस पर कॉल करके और ज़्यादा जानकारी घरों के बारे में ले सकते हैं, या चैनल पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भदौरिया और आज आपके बीच में हम खूबसूरत सा जो 1100 स्क्वायर फीट का ये पूरा आपको मकान दिख रहा होगा, 3 BHK का ये पूरा मकान है वो लेके आए हैं। अगर सामने इसके रोड की बात करी जाए तो इस घर के सामने आपको 30 फीट की रोड मिलेगी। तो ऐसे जो घर होते हैं उनके सामने 30 फीट की आपको सामने रोड मिलना बहुत कम ही ऐसी रोड होती हैं जहां पे आपको 30 फीट की रोड मिलेंगी। पूरा ये जो घर है ये आपको गेटेड सोसाइटी में पूरा मिलेगा। और अगर इस घर के फ्रंट की बात करी जाए तो 22 इसका फ्रंट है, 50 इसकी डेप्थ है, 3 BHK का घर है, लखनऊ शहर के अंदर का पूरा, नगर निगम के अंदर का पूरा घर है। अगर आपको प्रॉपर्टी ग्रह के वीडियो पसंद आते हैं तो प्रॉपर्टी ग्रह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंदर से देखते हैं किस तरीके से ये पूरा घर बना हुआ है। आप देखेंगे पूरी तरीके से आसपास पूरी जो कॉलोनी है ये पूरी डेवलप कॉलोनी है, गेटेड सोसाइटी में पूरा ये आपको घर जो है ये पूरा आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे कि अगर इस घर के 3 BHK इस घर के फ्रंट की बात करें तो आपको 22 इसका आपको फ्रंट मिल जाएगा। और गेट देखेंगे लोहे का बढ़िया सा आपको पूरा गेट जो है पूरा मिलेगा। 50 इसकी इस घर की पूरी आपको डेप्थ जो है पूरी मिलेगी। आप देखेंगे कि पार्किंग स्पेस देखिए कितना बेहतरीन तरीके का आपको पूरा पार्किंग स्पेस पूरा आपको पूरा नज़र आएगा। इन्वर्टर का यहाँ पे आपको स्पेस पूरा दिया हुआ है। बढ़िया तरीके का सारा जो घर है ओपन तरीके का, खुला खुला खूबसूरत तरीके से आपको पूरा ये घर जो है मिलेगा। अगर इस घर के दिशा की बात करी जाए तो ये पश्चिम फेस का आपको पूरा घर मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे कि आप अगर लॉन वगैरह आप यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो यहाँ गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं। इस जगह पे आप किसी भी तरीके की कोई भी आप बाइक वगैरह पार्क करना चाहें तो आप पार्क कर सकते हैं। पार्किंग स्पेस में किसी भी तरीके की आप बड़ी गाड़ी जो है इजीली आप पार्क कर सकते हैं। 1100 स्क्वायर फीट में इस तरीके का ये बड़ा सा आपको घर बना हुआ नज़र आएगा। ये देखेंगे कि जो वुडन का बेहतरीन तरीके का आपको यहाँ डोर मिलेगा। विंडो देखिए, विंडो बड़ी तरीके की आपको पूरी विंडो मिलेगी। तो ये ड्राइंग रूम देखिए कितना स्पेसियस है, कितना बड़े तरीके का सारा आपको पूरा जो ड्राइंग रूम है ये पूरा नज़र आएगा। ऊपर में आपको पूरा ड्राइंग रूम में आपको फॉल सीलिंग का बेहतरीन सा आपको काम करके पूरा आपको दिया जाएगा। यहाँ पे अलग अलग तरीके के सारे आपको स्विचेस मिलेंगे। नीचे में आप देखेंगे कि बेहतरीन तरीके की बढ़िया तरीके की सारा टाइल्स वर्क जो है वो आपको होके मिलेगा। बढ़िया तरीके की सारी पेंट है। यहाँ आप छोटा सा ये हॉल का जो आपका एरिया है इस तरफ आप डाइनिंग हॉल के रूप में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरफ आपको जो किचन है यहाँ पे आपको बढ़िया सा किचन जो है इस तरीके से पूरा किचन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरफ आप देखेंगे कि आपको किचन के पास में आपको वेंटिलेशन के लिए बढ़िया सी आपको विंडो दे रखी है। ऊपर में एग्जॉस्ट आप लगा सकते हैं, उसके लिए स्पेस दे रखा है। और खुला सा आपको पूरा जो किचन है ओपन किचन जो है वो पूरा आपको पूरा नजर आएगा। इस तरफ साइड में आपको इंडियन स्टाइल का बड़ा सा वॉशरूम मिलेगा। इस वॉशरूम का इस्तेमाल गेस्ट अगर आपके घर में आते हैं वो भी कर सकते हैं और आप भी इसमें आराम से इजली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस घर में आपको नीचे में जो बेडरूम है 2 बेडरूम आपको नीचे मिलेंगे। ये आप देखेंगे कि पहला बेडरूम आप देखेंगे पूरा बेहतरीन तरीके का सारा पहला बेडरूम आपको पूरा नज़र आएगा। ऊपर में आपको POP का काम मिलेगा, नीचे जो टाइल्स की फिनिशिंग आपको मिलेंगी, बढ़िया तरीके के सारे जो डोर हैं वो सारे डोर आपको पूरे नज़र आएंगे। इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ भी पीछे की तरफ भी आपको डोर मिल जाएगा, इस तरफ आपको विंडो मिल जाएगी और पीछे बड़ा सा आपको OTS का एरिया जो है ये पूरा मिल जाएगा। OTS एरिया आप देखेंगे कि काफ़ी खुला खुला है, काफ़ी बड़ा सा आपको पूरा OTS का एरिया है। यहाँ साइड में OTS एरिया के जस्ट साइड में आपको इंग्लिश स्टाइल का बड़ा सा जो वॉशरूम है वो पूरा मिल जाएगा। पूरे तरीके से फिनिश करके आपको ये वॉशरूम जो है सारा दिया जाएगा। टाइल्स वर्क पूरा 7-7 फीट की हाइट तक पूरा टाइल्स वर्क इसमें आपको पूरा हो रखा है। इस तरफ से आप देखते हैं ये आपका पहला बेडरूम नीचे का हो गया और इस घर का जो दूसरा बेडरूम है आप देखेंगे कि दूसरा भी आपको बड़ा सा ये पूरा बेडरूम जो है ये पूरा आपको नज़र आएगा। ऊपर भी आपको POP का पूरा काम मिलेगा,
बड़ी सी यहाँ पे आपको विंडो है, नेचुरल लाइट में किसी भी तरीके की यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बड़ा सा ओटीएस का पीछे आपको जो एरिया है वो पूरा आपको मिलेगा। यहाँ पे आप अगर ये ग्लास हटा के इसके अंदर विंडो एसी लगाना चाहते हैं तो विंडो एसी भी लगा सकते हैं, स्प्लिट एसी लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। पूरे घर में पूरा टाइल्स का बढ़िया सा पूरा काम जो है वो पूरा होके मिलेगा। नीचे का आपने पूरा ये पूरा एरिया देखा है, बड़ा सा पूरा घर है, 1100 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये आपको बढ़िया लाजवाब घर पूरा आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेयर्स पे आपको बढ़िया तरीके की मजबूत तरीके की टाइल्स जो हैं वो सारा वर्क आपको लगा हुआ नज़र आएगा। स्टील की आपको बढ़िया सी आपको ग्रिल मिल जाएगी। यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से ऊपर का जो पूरा हिस्सा बना हुआ है, बालकनी कितनी बड़ी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे खुला सा पूरा आपको बालकनी का पूरा एरिया दे रखा है और यहाँ बेहतरीन तरीके से काफ़ी स्पेसियस पूरा घर है। आसपास पूरी कॉलोनी देखिए, सारे जो आपको घर हैं बेहतरीन बढ़िया खूबसूरत घर आसपास सारे बने हुए पूरे नज़र आएंगे। अच्छी कॉलोनी में आपको ये पूरा घर जो है ये पूरा बना हुआ नज़र आएगा। ये देखेंगे कि ऊपर में आप बड़ा सा जो आपको रूम है ये पूरा आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको बड़ा सा वॉशरूम जो है इंग्लिश स्टाइल का बड़ा सा आपको वॉशरूम जो है ये पूरा आपको मिल जाएगा। यहाँ भी आपको विंडो जो है वो पूरी लगी हुई हैं, बड़ी सी आपको सारी विंडो जो है यहाँ पे आपको लगी हुई आपको मिल जाएंगी। पीछे से देखते हैं कितना खाली स्पेस पीछे की तरफ से आपको नज़र आता है। जो पूरा घर है आप देखेंगे कि बढ़िया से पिलर्स पे मजबूत तरीके से बना हुआ, क्वालिटी का मजबूत क्वालिटी का बना हुआ सारा पिलर्स पे आपको बना हुआ पूरा आपको मकान जो है ये दिखेगा। आसपास देखेंगे कि इस तरीके की काफ़ी बड़ी जो पूरी टाउनशिप है वहाँ पे आपको सारे ये घर बनते हुए आपको नज़र आएंगे। 1100 स्क्वायर फीट का घर 22x50 में खूबसूरत तरीके से ये जो पूरा बना हुआ है आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से बढ़िया तरीके से पूरा घर जो है ये आपको बना हुआ नज़र आएगा। अगर इस घर के लोकेशन की बात करी जाए किस जगह का घर है, तो ये जो घर है ये बिजनौर रोड के पास का घर पड़ेगा। बिजनौर रोड यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर शहीद पथ की बात करी जाए तो शहीद पथ केवल आपको 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलेगा। रायबरेली रोड जो है यहाँ से 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। PGI यहाँ से लगभग आपको 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलेगा। एयरपोर्ट यहाँ से आपको 6 किलोमीटर पे मिलेगा। चारबाग यहाँ से मात्र 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो शहर के अंदर का पूरा घर है, बेहतरीन कॉलोनी में, पूरी तरीके से गेटेड सोसाइटी में ये आपको जो 1100 स्क्वायर फीट 3 BHK का पूरा घर है ये पूरा आपको मिल जाएगा। जिस लोकेशन का ये पूरा घर है, बिजनौर रोड के पास का, शहीद पथ के पास का, आसपास में आपको सारी बेसिक एमिनिटीज मिलेंगी। सारे आपको आसपास खूबसूरत बढ़िया बेहतरीन घर सारे बने हुए नज़र आएंगे। बड़ी सी आपको पूरी जो गेटेड सोसाइटी है ये पूरी नज़र आएगी। अगर इस घर के आसपास में बेसिक एमिनिटीज की बात करी जाए, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, मार्केट, सब कुछ आपको मात्र 500 मीटर के दायरे में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शहर के अंदर में खुला खुली जगह पे आपको ये पूरा बेहतरीन सा बढ़िया सा घर 30 फीट आपको सामने रोड पे आपको पूरा जो है ये पूरा मिल जाएगा। अगर इस घर के प्राइस की बात करी जाए तो जिस तरीके से ये 1100 स्क्वायर फीट में 3 BHK घर बढ़िया सा बना हुआ घर है ये मात्र आपको 46 लाख रुपए में मिलेगा। तो लखनऊ शहर के अंदर नगर निगम के अंदर इस बजट में इतना बड़ा घर 3 BHK घर मात्र 46 लाख में आपको बहुत ही कम मिलते हैं। और अगर फाइनेंस की बात करी जाए तो 10% अमाउंट देके आप इस घर को फाइनेंस करा सकते हैं। आप LIC से आपका फाइनेंस हो जाएगा, HDFC हाउसिंग फाइनेंस से हो जाएगा, आपका PNB हाउसिंग फाइनेंस से, आपका बिल्कुल इजीली तरीके से आपका ये घर जो है आप फाइनेंस इसको करा सकते हैं। तो ये आपने पूरा घर देखा है, कैसा ये आपको ये घर कैसा लगा है 1100 स्क्वायर फीट का। अगर आप इस घर को विजिट करना चाहते हैं, इस खूबसूरत घर को देखने आना चाहते हैं, तो जो दिया हुआ नंबर है उस पे कॉल करके इस घर की विजिट के लिए आ सकते हैं। और अगर आपको और सारे हमारे वीडियो देखने हैं अलग अलग साइजेस के, लखनऊ में शहर के अंदर के और वीडियो देखने हैं और ज़्यादा घरों के वीडियो देखने हैं, तो आप प्रॉपर्टी ग्रह चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। इस पूरी कॉलोनी में जो घर है वो आपको 1100 स्क्वायर फीट के तो अवेलेबल हैं ही, इसके अलावा जो 1250 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 958 स्क्वायर फीट, इस तरीके के भी जो घर हैं वो भी अवेलेबल हैं। अगर उस साइजेस के आपको घर चाहिए तब भी आप यहाँ पे विजिट के लिए आ सकते हैं, कॉल करके विजिट के लिए आ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लखनऊ में घर चाहिए
तो आप जो दिया हुआ नंबर है उस पर कॉल करके और ज़्यादा जानकारी घरों के बारे में ले सकते हैं, या चैनल पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो ये वाला आपने बेहतरीन सा आपने घर देखा है 3BHK का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके बीच में इस तरीके के बेहतरीन बढ़िया खूबसूरत घर लखनऊ में रियल इस्टेट से जुड़े हुए वीडियो हम आपके बीच में लेके आते हैं। अगर प्रॉपर्टी करके वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।